दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि वीडियो का थंबनेल क्या था, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कार्टून कैसे बनाते हैं, ये छोटे छोटे कार्टून कैसे बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखिए। साला ऐसी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी। मैं यमराज हूँ, मैं जान लेने आया हूँ। लो बताओ, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। नहीं, वीडियो तो देख ली होगी, तो इसी तरीके से कार्टून हम आपको इस वीडियो में बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो में तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम सामी जो, और आप देख रहे हैं टेक्निकल सामी चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी दबा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताऊँगा कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा ऐप है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ही कुछ इस तरह से खुलेगा। हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद दोस्तों देखो, मैंने अपना बैकग्राउंड और कैरेक्टर पहले से ही यहाँ पर सेट कर रखा है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर हमारी टाइमलाइन खुल चुकी है। यहाँ पे दोस्तों ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, इन दोनों की वॉइस रिकॉर्डर ये अलग अलग है, ठीक है। मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। इसमें दो करेक्टर हैं, इन दोनों का नाम है, एक का नाम रखा है जो साइकिल पे बैठा है उसका नाम है कौवा, और दूसरे का नाम मैंने रखा है नौवा। तो दोस्तों सबसे पहला जो डायलॉग है वो बोलेगा नौवा, जो नीचे खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम डायलॉग स्टार्ट करेंगे बोलना, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक आपको डायलॉग रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। कौवा चल साइकिल उठा, घूमने चल रहे हैं गाँव में। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो डायलॉग है वो रिकॉर्ड हो चुका है, अब हम इसको सुन सकते हैं। कौवा चल साइकिल उठा, घूमने चल रहे हैं गांव में। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको, हमें अगर लगता है कि हमारा ये परफेक्ट डायलॉग बोला है हमने, तो हम इसको यहाँ से ऐड फ्रेम कर सकते हैं, और हमने ये ऐड फ्रेम कर दिया, तो हमारी ये टाइम लाइन बजाकर हम इसको रिकॉर्ड दोबारा सुन सकते हैं। कौवा चल साइकिल उठा, घूमने चल रहे हैं गांव में। देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे आ गया, और इसमें हम ऐड म्यूजिक भी कर सकते हैं। जैसे हमें डायलॉग के लास्ट में म्यूज़िक लगाना है, तो हम इसको म्यूज़िक भी लगा सकते हैं सुन के, कोई सा भी जो हमको अच्छा लगे। तो हम ये वाला म्यूज़िक ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड फ्रेम कर देते हैं। अब दूसरा डायलॉग जो है वो कौवा का है। कौवा बोलेगा दूसरा डायलॉग, घूमने चलूँ अगर मुझे साइकिल चलानी आती तो मैं ऐसे ही बैठा रहता यहाँ पर, अब तक तो मैं एक दो टायर फाड़ देता साइकिल चला चला के। देखिए दोस्तों, आप सुनते हैं डायलॉग को। घूमने चलूं अगर मुझे साइकिल चलानी आती तो मैं ऐसे बैठ रहता यहाँ पर, अब तक तो मैं एक दो टायर फाड़ देता साइकिल चला चला के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा डायलॉग हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, हम इसको ऐड फ्रेम कर देंगे दोबारा से। ऐसे ही दोस्तों, फिर तीसरा डायलॉग ये बोलेगा, और अगर हम चाहते हैं कि कौवा के डायलॉग के लास्ट में जो हमने अभी डायलॉग बोला है उसके लास्ट में अगर म्यूज़िक लगाएं, तो हम फिर इसके म्यूज़िक लगा सकते हैं यहाँ से। तो वाला म्यूज़िक लगा सकते हैं, ऐड फ्रेम कर देंगे, ये म्यूज़िक हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से हम डायलॉग बोलते रहेंगे और ऐड फ्रेम करते रहेंगे और म्यूज़िक लगाते रहेंगे, हमारी स्टोरी क्रिएट होती रहेगी। जब हमारा लगे हमारी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, हमने पूरे अपने डायलॉग रिकॉर्ड कर लिए, तो आप इसको ऐसे जाकर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पूरी वीडियो बनने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पूरी वीडियो बनने के बाद हम एक बार अभी यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। चल साइकिल उठा, घूमने चल रहे हैं गांव में। घूमने चलूं अगर मुझे साइकिल चलानी आती तो मैं ऐसे बैठ रहता यहाँ पर, अब तक तो मैं एक दो टायर फाड़ देता साइकिल चला चला के। देखिए दोस्तों, हमने प्रीव्यू कर लिया है, अब हम इसको यहाँ पे शेयर पे यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें ये स्टोरी का नाम मांगेगा, तो यहाँ पे इसका हम नाम दे देंगे कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है। कार्टून वीडियो लिख देंगे, या लिख देंगे ट्विन सम्राट वीडियो, और यहाँ पे इसको हम डाउन कर देंगे और आप एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये टैग मांगेगा फनी या कॉमेडी,
यहाँ पे कॉमेडी कर देंगे, यहाँ पे टैग लगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, हम इसको पोस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो ये वीडियो हमारे मोबाइल में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस है पूरा वीडियो क्रिएट करने का। तो आप लोगों की दोस्तों समझ में आया होगा, देखिए दोस्तों ये सेव हो रहा है हमारे मोबाइल में। जैसे ही हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा, अब हम इसको फिर दोबारा अपना एडिट करके या फिर ना भी एडिट करें तो भी चलेगा, इसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 32% हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम वीडियो अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।